पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई हैं, जिससे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हरा सके और खुद को विपक्ष का चेहरा बना सके। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की काट करना शुरू कर दिया है। ममता को लगता है कि वो कांग्रेस की जगह ले सकती है और पिछले दिनों ममता बनर्जी के एक बयान ने तहलका मचा दिया। ममता बनर्जी का बयान था, कहां है यूपीए, यूपीए तो है ही नहीं, जिसके बाद ममता कांग्रेस के निशाने पर आ गई और अब तो शिवसेना ने भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया है। देखेंगे खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटी हुई हैं, जिसके लिए वो राज्यों के दौरे कर रही हैं और गैर भाजपाई दलों से मुलाकात कर रही हैं। इसी के चलते ममता बनर्जी मुंबई दौरे पर पहुंची थी, जहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की और तीसरा मोर्चा बनाने के संकेत दिए। लेकिन ममता के इस दौरे के बाद शिवसेना ने ममता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दरअसल शिवसेना तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटी ममता बनर्जी से सहमत नहीं है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि दूसरा गठबंधन खड़ा करना केवल भाजपा को मजबूत करना होगा। साथ ही सामना में ये भी लिखा कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी को आज एनडीए की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी विपक्ष के लिए यूपीए जरूरी है। सामना में छपे लेख में लिखा गया कि ममता बनर्जी की राजनीति कांग्रेस के हिसाब से नहीं है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कांग्रेस लेफ्ट और भाजपा का सफाया किया, ये सही है, लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखकर राजनीति करना मौजूदा फासीवादी शासन को बल देने के समान है। मोदी और भाजपा चाहती है कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन मोदी और भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का भी ये एजेंडा हो कि कांग्रेस खत्म हो जाए, ये बेहद ही परेशान करने वाला है। साथ ही शिवसेना का कहना है कि जो लोग मजबूत विपक्ष चाहते हैं और दिल्ली की सत्ता पर भाजपा को काबिज नहीं देखना चाहते हैं, उन्हें यूपीए को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। ममता पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि पर्दे के पीछे गपशप ना करें, क्योंकि इसमें भ्रम और संदेह पैदा होता है। सामना के लेख में प्रशांत किशोर को भी आड़े हाथों लिया गया। उनके उस बयान की भी आलोचना की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को विपक्षी नेतृत्व के फैसले लेने का दैवीय अधिकार नहीं है। शिवसेना ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दैवीय अधिकार नहीं मिला है, यूपीए नेतृत्व का दैवीय अधिकार ही भविष्य का फैसला करेगा। राजनीतिक घराने और खानदान के किले समय आने पर ढह जाते हैं। अब शिवसेना ने तो ममता बनर्जी को करारा झटका दे दिया है और दूसरे गठबंधन से पूरी तरह से दूरी बना ली है, यानी शिवसेना ने ममता को अपना जवाब दे दिया। अब देखना होगा कि एनसीपी और ममता का रिश्ता मजबूत होगा या वो भी बनने से पहले ही टूट जाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।